साथी संसार को बढ़ाने वाले आगे बढ़कर के करते हैं, जो संसार के साथ जुड़ना चाहते हैं, जिनका संबंध संसार से बना रहे, संसार के साथ जुड़ा रहे, ऐसे लोग वैवाहिक संबंध से जुड़ जाया करते हैं। शादी करना आज के समय सबसे आसान काम होता है, लेकिन उसे निभाना सबसे मुश्किल काम होता है। संबंध पसंद से नहीं, संबंध ग्रहों के हिसाब से बनाए जाते हैं, तो जीवन भर वह संबंध ग्रह में रख करके आत्मीयता और आनंद के साथ व्यतीत हुआ करते हैं। जो संबंध को अपने पसंद के साथ बनाते हैं, यह पसंद कभी भी कम हो सकती है, और एक दिन ऐसा आता है यह संबंध हमेशा हमेशा के लिए खत्म भी हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र अनादि काल का एक शास्त्र है, ये विद्या अभी की विद्या नहीं है, ये तो जब से सूरज चांद चलता आया है तभी से इस प्रकार की ज्योतिषी विद्या चलती आई है। जो ज्योतिष के हिसाब से चलता है, समय के हिसाब से चलता है, काल चक्र के हिसाब से चलता है, उसके जीवन में सुख शांति और अमन चैन हुआ करता है। आज हम बात करते हैं शादी के संबंध को लेकर के। ऐसे 12 राशि होती हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ऐसी 12 राशियों के बीच में संबंध कैसे बने, जिससे यह संबंध जीवन भर आत्मीयता के साथ व्यतीत हो सके, यह बात आपको जीवन भर याद रखना है, सोच समझ करके वैवाहिक जीवन पर दृष्टिपात करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, जिनकी मेष राशि है वह अपना संबंध कुंभ राशि के साथ बनाए। यदि इनका संबंध कुंभ राशि के साथ होता है तो यह जोड़ा ज्योतिष के हिसाब से बेमिसाल होता है, मिलजुल करके आत्मीयता के साथ पूरा जीवन यापन करते हैं। इसके बाद जिनकी वृषभ राशि है या तुला राशि है, यह आपस में एक दूसरे से संबंध बना के रखते हैं, इनका आपस में कमिटमेंट बहुत अच्छा हुआ करता है, तालमेल बना करके अपने जीवन को जीने की आनंद के साथ अनुभूति करते हैं। यह एक दूसरे के मनोभाव को समझते हैं, एक दूसरे के विचार को समझते हैं, यह अपने आप में बहुत अच्छा संबंध माना जाता है। वृषभ राशि का तुला राशि के साथ यह संबंध अपने आप में बेमिसाल है, आनंद के पल के साथ जीने वाला समय है। इसके बाद मिथुन राशि का संबंध कुंभ राशि के साथ होता है, धनु राशि वालों के साथ ऐसे लोग संबंध ना करें। यदि मिथुन राशि वाले कुंभ राशि को छोड़कर के धनु राशि के साथ संबंध करते हैं, यह संबंध ज्यादा समय तक नहीं चलता है। आपको संबंध कुंभ राशि के साथ रखना है तो ही आप आने वाला समय आनंद के साथ व्यतीत कर सकते हैं। यदि आपने धनु राशि के साथ संबंध किया तो पक्की बात है कि आपके जीवन में, आपके लाइफ में किसी ना किसी प्रकार की परेशानी सामने आके खड़ी हो सकती है। इसके बाद सिंह राशि वाले,
जिनकी सिंह राशि है वह धनु राशि के साथ अपना संबंध स्थापित करें। यह अपने आप में शुभ कारक है। ऐसे लोग संबंध के साथ लक्ष्य तक पहुंच जाया करते हैं। कई बार ऐसा होता है, ऐसे संबंध जब हो जाते हैं तो परेशान व्यक्ति भी संबंध बना करके सुखी हो जाता है। उसके जीवन में जो परेशानी आई है 99% तक काम होता है, 1% में परेशानी आती है, संबंध बनाते ही यह परेशानी अपने आप खत्म हो जाती है। कई बार ऐसा सुनने में भी आता है, जब से इसके पैर यहाँ पड़े, इससे हमारी मुलाकात हुई, अपने आप हमारे सारे काम रोके हुए पूरे हो गए। यह इसी प्रकार का योग आपके बीच में बना करता है। इसके बाद कन्या राशि यदि किसी की है तो वह कन्या राशि वाले वृषभ राशि के साथ संबंध बनाते हैं, यह अपने आप में बहुत अच्छी आपस में एडजस्टमेंट करने वाली, एक दूसरे के सुख दुख को समझने वाली जोड़ी हो सकती है। इसके बाद जिसकी तुला राशि है, तुला राशि को मिथुन राशि के साथ संबंध बना के रखना है। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन सुखद होता है, आनंद के साथ, तन्मयता के साथ, तीर्थ यात्राओं के साथ जहां जहां संसार में घूमना है, आपस में एक दूसरे के विचारों को समझते हुए आत्मीयता के साथ आनंद की यात्रा को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद जिनकी वृश्चिक राशि है वह कर्क राशि से अपना संबंध बनाए। मीन राशि और कर्क राशि का भी संबंध अपने आप में बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह है पानी से जुड़ा हुआ संबंध है। वृश्चिक हो, कर्क हो, मीन हो, कर्क हो, इस प्रकार का संबंध भी सुखद होता है, आनंदित होता है, प्रसन्नचित होता है, तालमेल के साथ जीने वाला समय हुआ करता है। इसके बाद जिनकी धनु राशि है वह सिंह राशि से संबंध बनाए। सिंह राशि वाले कुंभ राशि के संबंध बनाते हैं तो उनका जीवन अच्छा रहता है। जोड़ा अपने आप में ही सभी के लिए अच्छा साबित होता है। इसके बाद जिनकी मकर राशि है वह वृषभ राशि के साथ विवाह करते हैं, उनके संबंध भी मधुर हुआ करते हैं। कहते हैं प्रेम इतना गहरा होता है, एक दूसरे को छोड़ने का मन नहीं करता है। इसके बाद जिनकी कुंभ राशि होती है वह धनु राशि के साथ अपना संबंध स्थापित करें। धनु राशि वाले मिथुन राशि के साथ संबंध स्थापित करते हैं तो उनके जीवन में अमन चैन, आनंद के साथ जीवन को जीने का सुख प्राप्त होता है। ऐसा लगता है कि विवाह के साथ जुड़ करके हमने संसार को बड़ा करके अच्छा काम किया है, ऐसे लोगों की सोच होती है। इसके बाद जिनकी मीन राशि है तो उन्हें वृश्चिक राशि से, कर्क राशि और वृश्चिक राशि से संबंध बनता है तो इनका वैवाहिक जीवन बहुत आनंद के साथ व्यतीत हुआ करता है। यह 12 राशियों का क्रम है। इस राशि के साथ इस राशि का संबंध संसार को बढ़ाने वाला होता है। यदि हम अपने पसंद से शादी करते हैं, यदि राशि का राशि के साथ मेल नहीं हुआ करता है तो कई बार बीमारी का शिकार होना पड़ सकता है। इसके बाद जो परिवार के बड़े बुजुर्ग सदस्य हैं उनके साथ भी आपकी विचारधारा एक नहीं हो सकती है। इसके साथ कितना भी अच्छा काम करें फिर भी आपको घर में यश नहीं मिल सकता है। इसके बाद यदि हम इस तरीके से मिलान करके विवाह नहीं करते हैं तो कई बार हर कार्य में रुकावट ही रुकावट आती चली जाती है। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट आपके जीवन में आ सकते हैं, इसलिए हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कि जीवन में लव मैरिज नहीं करें। जब भी शादी करें तो माता पिता के आशीर्वाद से, क्योंकि आपके माता पिता ने जिस भावना के साथ आपको बड़ा किया है, जिस भावना के साथ आपको पढ़ाया है, जिस भावना के साथ आपको पैरों पर खड़ा किया है, आपको उनकी भावनाओं को कभी ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए, क्योंकि उन्हें मालूम है इन बच्चों का आगे का फ्यूचर हमें कैसे सेट करना है। आप अपना फ्यूचर
किताबों से सेट करते हो, लेकिन माता पिता आपका फ्यूचर धर्म के साथ जुड़ करके किस्मत से सेट करते हैं। किताबी फ्यूचर किताबों को पढ़ने की तरह खत्म हो जाया करता है, लेकिन जो किस्मत से लिखा हुआ फ्यूचर होता है, माता पिता के आशीर्वाद से लिखा हुआ भविष्य हुआ करता है। यह बच्चों के लिए भविष्य निधि हुआ करता है, जीवन भर संभल के रखता है और संभाल के रखा करता है। इसलिए जीवन में कभी अपने माँ बाप को दुखी नहीं करना, नहीं तो कभी भी आप माँ बाप नहीं बन सकते हो। आपके बच्चों के मुंह से कभी माँ बाप शब्द नहीं निकलेगा। यह बहुत सारी परेशानियां आपके जीवन में सामने आके खड़ी हो सकती हैं। इसलिए अपने माता पिता का सम्मान करें, धर्म का सम्मान करें, परिवार का सम्मान करें, रिश्तेदारों का सम्मान करें, और इस ग्रहों के साथ अटैच होकर के शादी करोगे तो जीवन भर परिवार के साथ आपका अटैचमेंट बना रहेगा। यदि हमने कुछ भी गलती की, उसका परिणाम जिंदगी भर आपको भोगना पड़ेगा। बस प्रसन्न रहें, आनंदित रहें और जीवन में सुख शांति आपके जीवन में मिलती रहे, इसलिए मैंने यह बात आपके बीच में रखी है। प्रेम से सुना, अनुग्रहित। संसार में जीने के लिए धन चाहिए। धन के बिना संसार अधूरा है। हर व्यक्ति धन के पीछे भाग रहा है, धन से जुड़ा है। बच्चा पढ़ता है धन कमाने के लिए, व्यापारी दुकान पर बैठता है धन कमाने के लिए, सर्दी गर्मी सहन करता है धन कमाने के लिए, मजदूर काम करता है, बिल्डिंग बनाता है, खेत में काम करता है, क्यों? धन कमाने के लिए। धन वर्तमान की सबसे बड़ी जरूरत हो गई। एक बार धर्म में मन लगे या ना लगे, लेकिन बच्चे से लेके बुजुर्ग तक का मन हमेशा धन की ओर ही जाता है। यही धन संसार में सुख देता है, सम्मान दिलाता है। इसी सम्मान को पाने के लिए हर व्यक्ति की इच्छा है कि मेरे पास भी धन होना चाहिए। धन को बढ़ाने के लिए पुण्य भी चाहिए। पुरुषार्थ सभी करते हैं, थोड़ा सा पुण्य कमाने के लिए कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूं। राशि के अनुसार इस उपाय को यदि हम करते रहे तो धन आपका स्वागत करेगा। जो भावना आपने धन को जोड़ने की बनाई है, उसी भाव से यह धन जुड़ता चला जाएगा। कई बार ऐसा होता है, पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं। पैसा आता है लेकिन दिखता नहीं है, कहीं भी निकल जाता है, अस्पताल में निकल जाता है, परेशानी में निकल जाता है, कोई उधार लेकर जाता है, ऐसी बहुत सारी तकलीफें हमारे जीवन में आ जाती हैं। तो याद रखना कुछ उपाय, यह उपाय आप राशि के अनुसार करिए, फिर आप देखिए कि आपके जीवन में धन किस प्रकार से आपका स्वागत कर सकता है। तो सबसे पहले जिनकी मेष राशि है, मेष राशि प्रभाव तो मंगल का है ही, सूर्य का भी प्रभाव है। आपको कुछ नहीं करना है, शाम को मेन गेट पर एक तेल का दीपक लगाना है और उसमें दो काली मिर्ची डालना है। आंखें बंद करके नमोकार का पाठ करना है, ध्यान करना है और हो सके समय यदि मिले ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, इस प्रकार से 9 बार इस मंत्र का जाप करें।
लाभ ही लाभ हो सकता है। जिनकी वृषभ राशि है यहां पर शुक्र का बड़ा प्रभाव है, आपको एक छोटा उपाय करना है। पीपल के पेड़ में 28 दिन तक आपको जल चढ़ाना है। यदि आपकी सामर्थ्य है तो कहीं पर भी आप चंदन का वृक्ष लगा सकते हैं। आपकी ख्याति बढ़ेगी, यश बढ़ेगा, यश बढ़ेगा तो धन बढ़ेगा, धन बढ़ा तो आपकी यश कीर्ति अपने आप और बढ़ती जाएगी। इस प्रकार के उपाय करें। इसके साथ आपको कुछ नहीं करना है। जब हम जल लेकर के जाते हैं तो नमोकार का पाठ करते हुए पीपल को जल चढ़ाएं। चंदन का वृक्ष जहां मिलता हो, जहां लगाना हो वहां पर आप लगा सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना कभी वृक्षों को काटना नहीं है, और पीपल का पेड़ तो कभी नहीं काटना, नहीं तो बहुत सारी तकलीफें, बर्बादी आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। इसके बाद जिनकी मिथुन राशि है यहाँ पर बुध का बड़ा प्रभाव है। सबसे बड़ा जाल कोई वृक्ष फैलाता है उसे कहते हैं बरगद। बरगद के वृक्ष लगाइए, उस पर ध्यान करें, नमोकार का भक्तामर का पाठ करें, और एक पत्ता यदि आपको मिल जाए जमीन पर पड़ा हुआ उसमें छोटा सा मंत्र जो आपको बहुत ज्यादा प्यारा है, नमोकार मंत्र, उस पर लिख करके आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। इसके साथ साथ आप कहीं पर लाल चंदन का वृक्ष लगा दीजिए और उसके नीचे बैठ करके, नहीं तो कहीं पर बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके आप ध्यान करें और मंत्र साधना करें। छोटा सा मंत्र आपके लिए है, ओम क्लीम शांति, ओम क्लीम शांति, ओम क्लीम शांति, इस मंत्र का आपको जाप करना है। जिनकी कर्क राशि है चंद्रमा का बड़ा प्रभाव है, चंद्र कारक पत्रिका है, आपका ग्रह भी चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, आपको संध्या काल में पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का पंचमुखी दीपक लगाना है। भक्तामर का पाठ करते हुए, पंच नमस्कार मंत्र का जाप करते हुए, ओम ह्रीम नमः का जाप करते हुए आप इस उपाय को करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको अच्छी धन संपदा की प्राप्ति हो सकती है।